all the blessings that I would get from him. Just as I go to the field, I do storytelling. It's all about the type of stories. How storytelling can be done. Brother Abdul Lomo is quite colorful. How do you know? And Anuji, request already. हम लोगों उसके लाभ कर रहे हैं क्योंकि दो से तीन हमारी जो वैक्सीन का एप्पल जा रहे हैं इसमें हम गाने इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इट विल बी एन ऑलराउंड पैकेज ऑफ एंटरटेनमेंट. हर वेब सीरीज वेब फिल्म में भी गाने चल करते हैं. म्यूजिक इज अ बेस ऑफ एंटरटेनमेंट. कोई भी मूवी हो हम उसको गानों से ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं. तो उस चीज को एसोसिएट करने का हम हमेशा कोशिश कर रहे हैं. म्यूजिक वीडियोस बी इट फिल्म्स शॉर्ट फिल्म्स हर एक आर्टिस्ट एक साथ आने वाला है इस प्लेटफॉर्म पे. और आज हमारे एस्टीम डिग्निटरीज आए हैं. हमारे सारे शोज का भी अनवीलिंग हम आज कर रहे हैं. जो ब्रांड्स हैं नाम है हमारे शो के. मैं बेहद एक्साइटेड हूँ एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी एज द ऑफिशियल एंकर फॉर द ग्रैंड अनवीलिंग एंड द ग्रैंड लॉन्च. अ हम्बल थैंक्स टू आवर फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. बिल्कुल स्टोरी टेक के लिए भी बहुत सारे विशेज हैं. पल्लवी के लिए बहुत सारे विशेज. आनंद के लिए और जितने लोग भी जुड़े हैं इस प्लेटफॉर्म से चाहे वो एक्टर्स हों चाहे टेक्नीशियंस हों मेरी तरफ से बेशुमार दुआएं और बहुत सारा प्यार सबके लिए. वो तो है ही. फैमिली ड्रामा अपनी अच्छी कह रहे हैं फैमिली देख सकती है तो ये बहुत अच्छी बात है. क्या लगता है जिससे हमने शुरुआत की थी टेलीविजन की फिर उसके बाद कुछ टीवी तक मगा गया था बीच में. तो आई वुड लव के मैंने पल्लवी से अभी कहा कि भाई दोबारा से तुमसे काम मांगने की कोशिश हो क्योंकि तुम वो बना रहे हो जो हम जिससे हमने शुरुआत की. तो फिर से वो दौर आएगा और फिर से हम और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे. फिर और वेट क्या क्या बना. फिलहाल तो मैंने दो मूवीज किए तो इसलिए बीच में बहुत ज्यादा मैंने मिस किया क्योंकि लंबा गैप आ गया था. बट फिल्मों में कुछ ज्यादा चेंज नहीं हुआ है बनस्बत टीवी के. टेलीविजन में बहुत चेंजेस आए जब हमने शुरू किया था उसके मुकाबले में. टेलीविजन में बहुत ज्यादा चेंजेस है तो मेरे ख्याल में ये भी मेरे साथ माने हमने बहुत काम किया साथ में आनंद जी ने और मैंने. तो वो चेंजेस आ गए हैं. अब फिर और चेंज आएगा. परिवर्तन तो होता ही रहेगा ना और वो होना भी चाहिए लेकिन सही डायरेक्शन होना चाहिए. हाँ अभी है ना लोग अभी पल्लवी लोग हैं आनंद जी हैं बाबू भाई जी हैं सब लोग हैं दोबारा से समेट के चलेंगे. क्या विशेषेंगे सर आपकी स्वीड एक्ट के लिए कितने. मैं तो बहुत सारी बधाई देना चाहूँगा पल्लवी जी को आनंद जी को और बाबू भाई ने जहाँ बताया पूरे यकीन है कि ये कमाल करते हैं. या मैं बहुत विशेष देना चाहूंगा क्योंकि आज ओटीटी प्लेटफॉर्म का जो एक इमेज बन गया है कि यंगस्टर्स ही बैठ के देखते हैं बट अभी इनका एक नया आइडिया है कि स्टोरी डेक है पूरी फैमिली बैठ के देखेगी. एंड होपिंग फॉर द बेस्ट एंड विशिंग अ लक कि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत ऊपर और तरक्की होकर जाए. मैम आपकी हम तो पहले ही हम स्ट्रगल कर चुके हैं. आप कैमरा के बिहाइंड तो पहले ही बोल चुकी भैया मैं बुला लेना ऑफिस सबसे पहले तो दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी जो स्टोरी टेक करके नया प्लेटफॉर्म लेके आए. हम सबको ज़रूरत है जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म आएंगे अच्छी मूवीज़ आएंगी आर्टिस्ट हो या डायरेक्टर हो प्रोड्यूसर हो सबके लिए अच्छा है. और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया इन्होंने. बहुत कम लोग होते हैं जो OTT चैनल ही लेके आ जाते हैं. हम सब लोगों को होता है कि हम मूवीज़ लेके जाएं ये लेके जाएं. और डेफिनेटली मैम को एंड सर को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी. बहुत ज़्यादा ये प्रोग्रेस करें बहुत ज़्यादा. मतलब जैसे हम बोलते हैं कि अमेजोन एंड नेटफ्लिक्स हो गया Z5 हो गया उस रेंज में आई होप ये जल्दी आ जाए. भाई विशेज अब इतने. हाँ लॉकडाउन के बाद तो अभी OTT चल रहा है तो मैं दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ मैम और सर को. ऑल द बेस्ट विश यू ऑल द बेस्ट. और आप सब लोगों को भी आप सब लोग इतनी मेहनत करते हो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. जितने नए OTT प्लेटफॉर्म्स आते रहेंगे यू विल नीड मोर एंटरटेनमेंट मोर फन बिकॉज नई स्टोरी नया पैटर्न नया काम करने का तरीका और एक्टर्स के लिए तो अपॉर्चुनिटी है. आई एम सो हैप्पी. कॉन्ग्रेचुलेशन पल्लवी जी एंड इनको बहुत सारी बधाइयाँ क्योंकि इन्होंने एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया है तो बहुत सारे लोगों को उससे रोज़गार भी मिलने वाला है डेफिनेटली. आई एम सो हैप्पी फॉर हर लॉट ऑफ सक्सेस.
एंड होप आपको अमेजोन प्राइम जैसी सक्सेस मिले और हम सबको कुछ अच्छा नया और डिफरेंट देखने का मौका मिले. लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट, लव यू ऑल. मैं आता हूँ जब हमारी इंडस्ट्री में बहुत सारे हमारे हिंदुस्तान से बहुत सारे लोग हैं जो एस्पायरिंग एक्टर्स हैं जो अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं. हम बॉलीवुड में हमेशा से आते रहे मुंबई में. सिर्फ हमारा ऐसा था कि सिनेमा था, सिर्फ सिनेमा, और पिक्चर हॉल के लिए फिल्म्स बना करती थी. तब इतना स्ट्रगल था, बुरा हाल हो जाता था. हम लोग कैसे भटकते थे फ़ोटो ले लेके. उसके बाद टीवी आया तो बहुत सहारा हो गया. टीवी बहुत सारे लोगों के लिए किचन का साधन बना. और अब इतनी अच्छी किस्मत है हम लोगों की, हम उस एरा में हैं कि OTT प्लेटफॉर्म्स हैं. मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ जिन्होंने भी ये लॉन्च किया है उनको. और ये कितनी हेल्प हो जाती है बहुत सारे नए जो एक्टर्स हैं जो आते हैं उन, आज इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो काम दे रहे हैं. मैं एक बार दिल से धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह के ये जो प्लेटफॉर्म इन्हें स्टोरी डेक शुरू किया, ईश्वर इन्हें बहुत कामयाब करे, बहुत ऊँचाइयों तक ये जाए और बहुत सारे लोगों का घर इनसे चलता रहे. मेरी बहुत शुभकामनाएं. देखिए, सिनेमा हमेशा हमारे समाज का दर्पण रहा है. हमने बहुत सारी, मैं अपना बताऊं, मैं बचपन में एक सीरियल आता था दूरदर्शन पे सुबह, जिसमें ड्रग्स लेने वाले बच्चों की हालात दिखाई दी गई थी कि वो कैसे तड़पते थे जब उनको ड्रग्स नहीं मिलता था. फिर मैं स्ट्रगल करते हुए दिल्ली चला गया. मुझे स्मैक ऑफर हुई एक जगह पर कि स्मैक पी ले, बड़ा मज़ा आता है. मैंने नहीं पी क्योंकि मैंने सुबह देखा हुआ था. तो सिनेमा हमारी ज़िंदगी पर बहुत असर डालता है. बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं. मैं जो एक शो करता हूँ वो तो आपने जैसा कहा मैसेज देने का काम है, इसमें कोई शक नहीं. सिनेमा की हर स्टोरी, वो आपको नहीं समझ आ रही किसी को तो भी वो कहीं ना कहीं एक मैसेज ज़रूर देती है. नहीं नहीं नहीं, अभी पता नहीं मैं क्या करने वाला हूँ. ज़रूर कुछ अच्छा करूँगा. मैं आजकल वैसे स्टार प्लस का एक शो करता हूँ, ये है चाहते हैं, जिसमें मैं पुलिस नहीं हूँ. मैं उसमें बहुत इमोशनल फादर हूँ एक हीरोइन का, उस सीरियल की हीरोइन का. तो मैं, मुझे एक एक्टर के लिए सिर्फ एक रोल में बंधे रहना अच्छी बात नहीं होती है. तो मैं सौभाग्य समझता हूँ आजकल मैं डिफरेंट कैरेक्टर्स कर रहा हूँ और आगे भी कुछ डिफरेंट मिले तो करूँगा. लेकिन मैं कभी पुलिस के लिए मना नहीं करता हूँ क्योंकि मेरी शक्ल, मेरा ये सब गेटअप पुलिस नहीं लगता है. तो मैं ऐसे भी रहूँ. अच्छा, आज भी वैसा बन गया. ये ऊपर वाले ने ऐसा बना के भेजा है सर. लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ धीरे धीरे. आप देखेंगे बहुत अच्छे काम आने वाले हैं. थैंक यू सो मच, बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से. एक्चुअली जो ये स्टोरी डेक है, OTT आजकल मेरे ख्याल से हम सबकी ज़रूरत हो चुकी है. हमारे पास पहले सीरियल्स हुआ करती थी जो हम देख नहीं पाते थे, वो टाइम पे आते थे. हम लोग KBC वगैरह के लिए घर भाग के जाते थे कि कुछ देख लूँगा या कुछ इस तरह से होता है. तो अभी चीज़ें हमारे हाथ में हैं, हमारे फ़ोन में हैं. जहाँ हम हैं, जहाँ कंफर्टेबल है, जहाँ हमें थोड़ा टाइम मिला, हम कुछ देख लेते हैं. तो मुझे लगता है ये जो OTT आने पर, और स्पेशली यू नो इस तरह से चैनल नई जो लॉन्च हो रही है, उन सब से हमारी कंफर्ट और ज़्यादा हो रही है, जिसके एंटरटेनमेंट में हमें कमी नहीं लग रही है. प्रोफेशनल पे टू बी ऑनेस्ट, मैंने जब ZEE सीरियल किया लक्ष्मी, उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि फिर वापस वही, क्योंकि चैनल्स और वो सारी चीज़ों का बहुत होता है. OTT इज़ वेरी मच कंफर्टेबल और मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ जब भी कोई न्यू OTT लॉन्च होता है या मुझे कोई ऑफर जाती है. तो आई एम रियली एक्साइटेड. आई एम डूइंग ऑल्सो वन वेब सीरीज़ जो होल एंड सोल विल बी ऑन मी. कोई एक लड़की है जो यू नो बहुत स्ट्रगल कर रही है अपनी लाइफ में और इस तरह से. तो दैट इज़ अ सीरीज़ कमिंग. आई थिंक इन नेक्स्ट 2 months इट विल रिलीज. तो मेरे लिए तो आई एम रियली हैप्पी कि OTT प्लेटफॉर्म है. एज एन एक्टर बहुत अच्छी बात होती है क्योंकि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. जब नहीं था OTT तब हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं. बट अब आफ्टर कोविड एक हमारे लिए नई चीज़ खुल गई है कि OTT, और उसमें भी स्टोरी डेट जैसा एक अच्छा अमेजिंग प्लेटफॉर्म अगर हम सब एक्टर्स को मिलता है, मिल गया है आज, मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए. तो मुझे लगता है इससे अच्छी बात कोई नहीं है और मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए. इसलिए मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि मैं स्टोरी डे को प्रॉपरली यूज़ करने वाली हूँ. बिल्कुल, वीडियो रिलीज़ हो रहा है ZEE पे. आप लोगों ने सबने देख चुके हो, स्ट्रीमिंग है मेरा ZEE पे सीरीज़ विवेक ओबरॉय के साथ. उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिला है. अब 9th को अगेन रिलीज़ होने जा रहा है ओ डार्लिंग. सो बहुत बहुत खुश हूँ. और आप सब लोगों ने इतने प्यार से मुझे बहुत ज़्यादा रिस्पांस दिया है मेरी सीरीज़ का, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. थैंक यू. और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है. और ड्यूरिंग द कोविड OTT प्लेटफॉर्म्स हम मेकर्स के लिए बीइंग अ प्रोड्यूसर एक बहुत ही हेल्पिंग हैंड्स का काम किया. और डेफिनेटली एक
एडिशन ऐड हो रहा है OTT प्लेटफॉर्म्स में, तो आई एम सो हैप्पी. और थ्रू OTT प्लेटफॉर्म्स हमारे प्रोडक्ट्स की रीच बढ़ रही है और हमारा प्रोडक्ट्स कॉमन मैन तक पहुंच रहा है, तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है. सर सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो नए लोग हैं बॉलीवुड में, जितने नए एक्टर हैं नए, उनके लिए ये बहुत अच्छी बात है कि ये OTT प्लेटफॉर्म जो जितने खुल रहे हैं कि वो एक उनको प्लेटफॉर्म का एक मौका मिलता है. और ये टाइम जो प्रेजेंट में है ये बहुत अच्छा है कि OTT प्लेटफॉर्म इस तरीके से खुलते रहें और नए एक्टर को चांस मिलते रहें, इससे अच्छी बात कोई नहीं. बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सोचें तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है. और इससे नॉट ओनली द प्रोड्यूसर्स, टेक्नीशियंस, एक्टर्स एंड कंप्लीट बॉलीवुड इंडस्ट्री को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्प मिल रही है. टैलेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जिनका टैलेंट बड़े बड़े फिल्मों के जो बड़े मेकर्स होते थे वो नए टैलेंट को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, तो थ्रू OTT प्लेटफॉर्म्स नए टैलेंट को एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है. और हम मेकर्स को नया टैलेंट जब हमें चाहिए होता है हमारी फिल्म में, तो हम OTT प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही वो टैलेंट को हम देखते हैं और उनको फिर हम भी अपनी फिल्मों में अप्रोच करते हैं. सबसे बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं स्टूडियो को. OTT प्लेटफॉर्म में एक अपना नया रेवोल्यूशन आया है. सच बात यह है कि पहले TV जब आया था तब एक नया प्लेटफॉर्म मिला था लोगों को काम करने के लिए एज एन एक्टर, और अभी जो है ये OTT की वजह से जो चीज़ें चल रही हैं एक्टर्स को और ज़्यादा मौका मिला गया काम करने का. सबसे अच्छी बात यह है कि OTT पे कंटेंट क्या है वो आपको घर में पहुंच रहा है आपके, तो आपको वो क्या चीज़ देखनी है और क्या नहीं देखनी है ये आपके हाथ में है, तो उसमें आपको अच्छी चीज़ दिखाना और आप लोगों को उसमें सहयोग देना, ये आप लोगों की और हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि हमें क्या देखना है, अपने बच्चों को क्या दिखाना है, ये एक सबसे बड़ा कंटेंट है. और उसके लिए टीम का हिस्सा बनना ज़रूरी है. कपिल ने हमको यहाँ बुलाया और कहा कि भाई इसमें, तो हम लोग एक पार्ट की तरह इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और लोगों को अच्छी चीज़ देखने को मिले, यही हमारी सबको. थैंक यू वेरी मच. मिस्टर आनंद गुप्ता एंड मिसेस पल्लवी गुप्ता का, देव मोशन पिक्चर का ये स्टोरी डेक लॉन्च होने जा रहा है आज. हमारे लिए खुशी की बात, आनंद की बात इसलिए है कि जब मैंने उनसे इसके बारे में पूछा कि स्टोरी डेक की क्या विशेषता होगी, तब उन्होंने मुझे बताया कि स्टोरी डेक है सारा क्लीन, जो OTT में होना मुश्किल है, सारा क्लीन कंटेंट देगी, फैमिली कंटेंट देगी कि सारा फैमिली ऑडियंस उसको बैठ के एंजॉय कर सकता है. इस तरह का कंटेंट वो क्रिएट करेंगे और जिस तरह के उनके प्लान्स हैं वो प्लान्स देखते हुए मुझे लगता है कि स्टोरी डेक है बहुत प्रोग्रेस करेगा, बहुत आगे जाएगा. और मैं कामना करता हूँ कि स्टोरी डेक है वो जिस तरह के सारे एस्टेब्लिश प्लेटफॉर्म इंडिया में हैं, जिस तरह के उनका नाम है उसी तरह का नाम स्टोरी डेक का हो और स्टोरी डेक बहुत आगे बढ़े और सारी इंडियन टैलेंट को, उनको, सारे आर्टिस्ट को, सारे टेक्नीशियन को काम दें और उनको भी आगे बढ़ाएं, इस तरह की कामना करते हुए धन्यवाद. सबसे पहले गुड इवनिंग और सबों को बहुत बहुत धन्यवाद. आप लोग बहुत देर से सबों का इतने देर से झेल रहे हैं, बोल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद. लेकिन इसमें सबसे बड़ा श्रेय जाता आनंद गुप्ता जी का और उनके पार्टनर नेहा गुप्ता जी का. स्टोरी डेक जो है, स्टोरी डेक एक अपने आप में एक अच्छी चीज़ लेके आ रहा है प्लेटफॉर्म. और आज जो सिनेरियो बहुत सारा चेंज हुआ है, वो चेंज हुआ है इसमें अपने नया कॉन्सेप्ट के साथ लेके आ रहे हैं, तो पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ. इन शॉर्ट में बोले कि लॉकडाउन ने एक नया चीज़ को जन्म दिया है, एक नई चीज़ को जन्म दिया है. उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए जब चैलेंज लेके आ रहे हैं स्टोरी डेक, उसमें आने वाला तमाम दर्शक, तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ी एक अच्छी चीज़ होगी, बहुत अच्छी उपलब्धि होगी. क्योंकि फिल्म सिर्फ सिनेमा पे या TV पे डिपेंड नहीं रह सकते, तो वही चीज़ों को लेके आ रहे हैं. तो ज़्यादा क्या बोले, आप लोग को शायद बुलाया जा रहा है. सो थैंक यू वेरी मच. एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ आनंद जी को और पूरी टीम को स्टोरी डेक को. थैंक यू.